जिले से मजदूरी के लिए महाराष्ट्र के सांगला गए एक परिवार की बेटी को वाहन चालक द्वारा अगवा किए जाने का मामला एसपी ऑफिस पहुंचा है। यहां पीड़िता के भाई ने एसपी को शिकायती आवेदन सौंपकर उसकी बहन को वाहन चालक के चुंगल से छुड़ाने की मांग की है। एसपी ऑफिस पहुंचे युवक ने बताया कि पिपलिया बुजुर्ग निवासी होकर सांगली मजदूरी के लिए 24 अगस्त को गए थे। विनायक नाम का वाहन चालक उन्हें पिकअप वाहन से लेने आया था। हम सब मकान निर्माण का काम कर रहे थे। इसी दौरान 2 नवंबर को विनायक शाम 7 बजे के करीब मोटरसाइकिल से आया और मेरी नाबालिग बहन का मुंह दबाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गया। 21 नवंबर को विनायक के मोबाइल नंबर से धमकी दी कि वह उसकी बहन को देह व्यापार में धकेल देगा या जान से मार देगा। पुलिस ने कार्यवाही का भरोसा दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप एसपी साहब से मिले? हमने उधर सांगली महाराष्ट्र में काम करने को गए थे। वहाँ पर हमारे साथ में कम से कम 1 महीना करीब हमने काम किया, तो उसके ड्राइवर ने हमारे साथ में कि हमारे साथ में काम करते वक्त कुछ मारपीट भी किया है। उसका नाम विनायक है ना। हमारे को धमकी भी दे रहा कि मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा। तुम कहाँ भी मिल जाओ तीनों भाई में से। तो धमकी क्यों दे रहा? वो मारने की धमकी दे रहा है हमारे को साथ में वो। नहीं तो हुआ क्या था? क्या हमारे साथ में वो भी बहन थी, तो उसको जबरन से पकड़ के लेके गया उसने। कौन ड्राइवर था? ठेकेदार का? हाँ, ठेकेदार का ड्राइवर था। कब गए थे आप लोग? हमारे कम दिवाली के 4-5 रोज के बाद में गए थे। कहाँ पर गए थे आप? महाराष्ट्र सांगली। वहाँ क्या काम करते थे आप? ये घर उनका काम करते, छत भरने का काम, स्लैब डालने का काम। तो बहन भी साथ में थी आप? हाँ, बहन भी साथ थी। तो कौन ले गया उसको? विनायक ड्राइवर ने उसको पकड़ के ले गया है। अब क्या चाहते आप? हमारी बहन हमारे को वापस कर देना चाहिए उसने। अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? ये कौन से साहब से मिलने का बोला उसने? FIR करने की बात कही। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।